राष्ट्र की प्रदक्षिणा कार्यक्रम में देश के 255 स्थानों पर एक साथ हुआ कार्यक्रम। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत क्रीडा भारती द्वारा देश भर में एक साथ राष्ट्र की प्रदक्षिणा की गई। देश भर में 255 स्थानों पर वाहन रैली निकाली गई तथा देश के मध्य में ओम की आकृति बनाई गई। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर हितेश पालीवाल ने बताया कि राजसमंद में राष्ट्र प्रदक्षिणा रैली बजरंग चौराहा से तय समय पर रैली के रूप में प्रारंभ होकर अपने गंतव्य स्थान पर पूर्ण हुई। सर्वप्रथम बजरंग मंदिर में पूजा आरती व भारत माता की आरती की गई। उसके बाद सम्मान सहित राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी फतेह चंद श्याम सुखा, भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहट, क्रीड़ा भारती के प्रांत प्रमुख अनिरुद्ध सिंह थे। इस दौरान फतेह चंद श्याम सुखा ने बताया कि ऐसा आयोजन देश में पहली बार हो रहा है। ऐसे में आयोजन की सेटेलाइट मैपिंग भी की गई है। राष्ट्र प्रदक्षिणा रैली बजरंग चौराहा से रवाना हुई, जो सेवाली, केलवा, मादली, गोमती, चारभुजा होते हुए नाडोल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक गोपाल गुजर, विश्व हिंदू परिषद के भगवती लाल पालीवाल, प्रदीप खत्री, पसून सरपंच अयन जोशी, बाजुमो जिला मंत्री गिरीश पालीवाल, पार्षद चंपालाल कुमावत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से विभाग संयोजक किशन गुजर, जिला संयोजक भगवत सिंह, युवा नेता नीलेश पालीवाल, बाजुमो नगर अध्यक्ष आकाश सहलोत, प्रकाश जांगीर आदि मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। न्यायालय परिसर में पौधरोपण किया। विश्व जैव विविधता दिवस के पर नाथद्वारा न्यायालय परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नाथद्वारा लक्ष्मीकांत वैष्णव ने बताया कि जैव विविधता को बढ़ाने का सबसे मुख्य तरीका अधिक से अधिक पौधरोपण करना है, इसलिए न्यायालय परिसर नाथद्वारा में पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में नीम, पीपल, बरगद, अमलतास आदि के पौधे लगाए गए। न्यायाधीश वैष्णव ने बताया कि विविधताओं के संरक्षण के लिए और इस समस्या के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम हम समाधान का हिस्सा हैं रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक पौधरोपण करें और पौधे और जैव विविधता को बचाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि हर व्यक्ति इस समस्या का हिस्सा है। इस अवसर पर न्यायालय के कर्मचारी, अधिवक्तागण और आम नागरिकगण मौजूद थे। ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर में पोस्टर प्रतियोगिता संपन्न। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली में संचालित 40 दिवसीय ग्रीष्मकालीन अभिरुचि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिला संगठन आयुक्त छेल बिहारी शर्मा ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर 17 से 25 जून तक चलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप वन संरक्षक विनोद राय ने कहा कि प्रकृति के संतुलन के लिए जीव जंतु व पशु पक्षियों का संरक्षण आवश्यक है। शिविर संचालक धर्मेंद्र गुजर ने बताया कि पोस्टर प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग में दिव्यांशी सालवी प्रथम, लक्ष्मी सालवी द्वितीय व दीक्षा सुथार तृतीय स्थान पर रही। जूनियर वर्ग में योगिता कुमावत प्रथम, मीनाक्षी अलोड़िया द्वितीय व चंचल कुमावत तृतीय स्थान पर रही। सीनियर वर्ग में जाह्नवी सालवी प्रथम, करीना केवट द्वितीय व वंदना राठौड़ तृतीय स्थान पर रही। निबंध प्रतियोगिता में टीना गमिती प्रथम, अलीसा मंसूरी द्वितीय व कोमल वैष्णव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आम आदमी पार्टी की बैठक संपन्न। आम आदमी पार्टी नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की बैठक वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रवीण बोरीवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में रेलमकरा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में उदयपुर संभाग के कोऑर्डिनेटर अमित वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्र सनाडिया आदि वरिष्ठ पदाधिकारियों ने रेलमकरा ब्लॉक के नए और पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। नाथद्वारा विधानसभा में आप पार्टी गाँव ढाणी तक पहुँच कर जनता की आवाज़ को बुलंद करेगी। प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा एवं दिल्ली द्वारका विधायक के निर्देशन में आयोजित बैठक
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधानसभा क्षेत्र में आम जनता को आपकी नीतियों से अवगत कराकर पार्टी से जोड़ना है। इस दौरान बैठक में चंबा कोऑर्डिनेटर अमित वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्र सनाडिया, कालूराम कुमावत कुमारिया खेड़ा, प्रवीण बोरीवाल, हेमंत रतन, आशा ललिता, भूरालाल मालनी, पनौतिया जीतमल, कालूराम सहित बड़ी संख्या में आप पार्टी के कार्यकर्तागण बैठक में मौजूद थे। सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ। खेलों एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशिष्ट कार्यक्रम सांसद खेल स्पर्धा के तहत भाजपा राणा राजसीय ग्रामीण मंडल राजसमंद के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुंडोल में खेल का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारट के मुख्य आतिथ्य एवं मंडल की सभी ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में आए जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं एवं ग्रामवासियों की मौजूदगी में समारोह पूर्वक हुआ। प्रतियोगिता के मीडिया संयोजक नर्मदा शंकर पारिवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में मंडल की 20 टीमें भाग ले रही हैं। विजेता टीम को जिले स्तर की प्रतियोगिता में मौका दिया जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता श्री कृष्ण पालीवाल, कार्यक्रम संयोजक भरत पालीवाल, युवा मोर्चा मंडल राजवीर सिंह, मोड़ीलाल व्यास, सुनील पुरोहित, मुंडोल सरपंच नारायण सिंह राठौड़, नरेश जोशी आदि मौजूद थे।